हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो में जामिया इस्लामी के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अब तक जामिया ने किस किस कोर्सेज के रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं और अभी क्या अपडेट है, और साथ ही जो कॉमन से क्वेरी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामिया ने एक सिस्टमेटिकली एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए थे, यानी कि सबसे पहले PhD प्रोग्राम का हुआ था और देन फिर स्कूल का हुआ था, देन उसके बाद फिर UG PG और इस तरीके से बाकी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। सवाल यहाँ पे होगा कि रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं या आएंगे बाकी कोर्स का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामिया जिस हिसाब से इस बार रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पब्लिश कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि सबसे पहले जामिया ने PhD कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, देन उसके बाद स्कूल का एग्जाम हुआ था, एंड देन उसके बाद फिर जो है UG PG में जितने भी कोर्स थे उनका एग्जाम हुआ था। तो रिजल्ट की भी बात करें बस उसी की तरह ही पब्लिश हो रहे हैं। कैसे कहेंगे, बड़ा सिंपल है कि आपको पता ही है कि PhD का सबसे पहले रिजल्ट आया, देन उसके बाद कल स्कूल का रिजल्ट आया। अब स्कूल में भी बात करें तो अभी जो रिजल्ट आया सिर्फ 6 और 9 का रिजल्ट है, बाकी नर्सरी प्री और क्लास फर्स्ट में इनमें बहुत पहले ही एडमिशन का फॉर्मेलिटीज पूरा करा लिया गया है। लेकिन अगर स्कूल्स के रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें भी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इसका जो पहला एग्जाम हुआ था सबसे पहले 11th साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का पेपर हुआ था, देन उसके बाद फिर 9 और देन उसके बाद 6 का पेपर हुआ था जाम में। लेकिन देखा गया ऐसा इस बार कि 6 और 9 का रिजल्ट पहले आया है और 11th का जो है आज से या कल तक इनके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें तो समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब निकलता है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स UG PG और PG डिप्लोमा इन सब में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं इनका भी रिजल्ट तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, जो पूछ रहे हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जामिया जो रिजल्ट पब्लिश करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, इसका ये मतलब नहीं निकलता कि हाँ भाई पहले अगर BLLB का हुआ तो उसका पहले आएगा और उसके बाद फिर पॉलिटिकल का तो बाद में, ऐसा नहीं। वो किसी भी कोर्स को उठाएंगे और उसका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपडेटेड आना पड़ेगा और हो सकता है कि ये पूरा आने वाले 15 डेज हो वो पूरे रिजल्ट में ही गुजरे, हर दिन अलग अलग कोर्सेज का रिजल्ट दिखेगा। तो ये मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दिया। अब हम आपको जो PhD वाले कैंडिडेट है उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए PhD में हुआ ये है कि इनिशियली जब इसका रिजल्ट आया था तो 7 जुलाई को कहा गया था कि 7 जुलाई तक जो है सारे स्टूडेंट्स को पहुंचना है, लेकिन बहुत कम बच्चे पहुंच पा रहे थे इसलिए डेट बढ़ाकर 12 जुलाई तक किया गया था। किन स्टूडेंट्स को, जिस स्टूडेंट्स का PhD में रिजल्ट आया था, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हो या सिलेक्टेड लिस्ट से हो, यानी इंटरव्यू लिस्ट, उन सबका इंटरव्यू होना है। तो ऑब्वियसली इनका लास्ट डेट जो था वो 12 जुलाई था, लेकिन अब उन सारे स्टूडेंट को जो स्टूडेंट जामिया कैंपस में पहुंचे हैं, जो डिपार्टमेंट में जामिया पहुंचे हैं, उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू का लिस्ट आ चुका है, यानी कि अब उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का डेट भी अनाउंस हो गया सारे कोर्स का। ऐसा नहीं कि सिर्फ IB का, मैनेजमेंट IB का, ऐसा नहीं, लगभग सारे कोर्सेज का जामिया ने अनाउंस कर दिया। तो आप जाकर एक बार वेबसाइट को अच्छे से चेक कर ले किन स्टूडेंट्स का है सिंपली PhD का, बाकी जैसे ऑलरेडी जो है कल या परसों से हो सकता है UG PG का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बस आप अपडेटेड रहें, जामिया बहुत जल्द ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट पब्लिश करेंगे। मैं यहाँ पर यही कहूँगा आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर